हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कुष्मांडा एसएससी एकेडमी। अभी रिसेंटली बिल्कुल जस्ट अभी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2020 एग्जामिनेशन हुई है और उस पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आए हैं उसकी हम आंसर कीज डिस्कस करने वाले हैं। आप याद रखें हम यहाँ पर आंसर कीज डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। यहाँ पर फिलहाल हम सिर्फ आंसर कीज डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप अपने आंसर्स के साथ मैच कर सकें और सोच सकें कि आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अमित डज 40% ऑफ वर्क इन 10 डेज, देन भार्गव जॉइंड अमित एंड दे टुगेदर फिनिश रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क इन 3 डेज। हाउ लॉन्ग भार्गव अलोन वुड टेक टू डू दिस होल वर्क। भार्गव अकेला इस काम को करने के लिए कितने दिन लेगा। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 2 डेज, 3 डेज, 4.5 डेज, सॉरी 4 डेज और 5वें दिन का चौथा हिस्सा, और 6 डेज और 7वें दिन का चौथा हिस्सा। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। यहाँ पर जो है आंसर डी होना चाहिए, यानी कि 6 डेज एंड 1/4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। पी क्यू एंड आर एंटर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000। पी इन्वेस्ट 5,000 मोर देन क्यू एंड क्यू इन्वेस्ट 10,000 मोर देन आर। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट्स ₹20,000 हाउ मच पी रिसीव्स। पी को कितने रिसीव होते हैं। ऑप्शंस दिए हुए हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि 10,000। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, आउट ऑफ टोटल मंथली सैलरी ऑफ महेश ही स्पेंड 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन रेंट एंड 20% ऑफ हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। 40% ऑफ द रिमेनिंग मंथली सैलरी फॉर फूड एंड वाइल द रिमेनिंग सैलरी विच सेव्ड इज इक्वल टू 16,500। फाइंड देन फाइंड हिज मंथली सैलरी। तो हमें फाइंड करनी है महेश की मंथली सैलरी को। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 45,000, 50,000, 60,000, 40,000 या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 मीटर मोर देन द साइड ऑफ स्क्वायर एंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मीटर लेस देन इन साइड ऑफ स्क्वायर। इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 784 स्क्वायर मीटर, वट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 840 स्क्वायर मीटर, 780 स्क्वायर मीटर, 920 स्क्वायर मीटर या 660 स्क्वायर मीटर या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, यानी कि 920 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है, अ बोट कैन ट्रैवल 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 66 मिनट्स। एक बोट 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ट्रैवल कर सकती है 66 मिनट्स में। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इज स्टिल इन वाटर टू बी स्पीड अप फॉर स्ट्रीम इज 4:1। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कन्वर्ट 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर बताने कितना टाइम लेगी 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 2 आवर्स, 48 मिनट्स, 3 आवर्स, 12 मिनट्स, 2 आवर्स, 24 मिनट्स, 3 आवर्स, 28 मिनट्स या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा 2 आवर्स 24 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिक्स क्वेश्चन। 5 years ago द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी इज 3:2। सी इज 7 years younger देन ए। द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 2 times ऑफ डीज प्रेजेंट एज। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बी इफ द एज ऑफ डी आफ्टर 6 years इज 35। अगर डी की 6 years के बाद एज 35 है तो हमें बताना है कि प्रेजेंट एज बी की कितनी है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको 40, 42, 45, 38 या नन ऑफ दीज। इसका आंसर जो है आपका सी होना चाहिए, यानी कि 45 years। सेवन्थ क्वेश्चन पर आते हैं। ए सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ ₹954 एंड अर्न प्रॉफिट ऑफ 6% एट द प्राइस शुड इट हैव बीन सोल्ड एज टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 14%। ऑप्शंस आए आपके 1134 और 1026,
1278, 1082 या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि 1026। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एट्थ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको द वैल्यू शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, और हमें बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एट्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको दिए हैं 392, 413, 420, 440 या फिर 443। इसका करेक्ट आंसर ई होना चाहिए, यानी कि 443। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइन्थ क्वेश्चन। अब देखें स्टेटमेंट दी हुई है, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ए होना चाहिए 873। नाइन्थ क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर किसका स्क्वायर जो है होना चाहिए 60, 55, 50 या 65 या फिर 70। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर सी होगा, यानी कि 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा इलेवेंथ क्वेश्चन है। इस स्टेटमेंट की आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, इसमें से करेक्ट आंसर आपका ई होना चाहिए, यानी कि 199। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेल्थ क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ऑप्शंस ए बी सी डी ई ऑप्शन है नन ऑफ दीज, और ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर जो है आपका वो होना चाहिए बी, यानी कि 345। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टीन क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 80, 50, 20, 40 या 90। इसका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, यानी कि 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टीन क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस आपको दिए हुए 3150, 3160, 3260, 1260, 2280। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होना चाहिए, यानी कि 3260। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टीन क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं 60, 63, 52, 58 और 71। यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन डी है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 58। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्सटीन क्वेश्चन। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें आपकी वैल्यूज आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 15, 9, 18, 11 या 12। और अगर आपने इसका आंसर सी दिया है 18, तो आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवनटीन क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 30, 40, 50, 60 और 70। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, यानी कि आपका ऑप्शन 196। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटीन क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस के आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 111, 110, 113, 112 एंड 114। इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए था, इसका करेक्ट ऑप्शन डी होना चाहिए था, यानी कि 112। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्वेंटीएथ क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए 60, 70, 50, 80 और 40। इसमें से आपका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे के क्वेश्चन 21-25, व्हाट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है 6, 3, 3, 4.5, 9 और आगे की सीरीज हमें बतानी है आगे क्या होगा। 23.25 होगा, 18 होगा, 24.75 होगा या फिर 22.5 होगा या फिर 25 होगा। यहाँ पर जो है इस स्टेटमेंट में डी आना चाहिए, अगला नंबर 22.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन, और इस सीरीज़ में नेक्स्ट जो है वो 46 आना चाहिए, ए ऑप्शन होने का इसका आंसर। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सीरीज़ दी हुई है, इसमें क्वेश्चन मार्क के बाद 600 है, हमें बताने की क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस आपके 4800, 4000, 3000, 4200, 3600 दी हुई है, इसमें से आपकी करेक्ट वैल्यू जो है वो सी होनी चाहिए, यानी कि 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन। इस सीरीज़ में आपको ऑप्शन दिया 142, 140, 150, 152 और 128। इसमें आपका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए 320, 340, 366, 340 और 328। और इस सीरीज़ में आपका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, 366।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाते हैं। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू इक्वेशंस आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व बोथ इक्वेशंस टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई का रिलेशन बताना है कि इनका रिलेशन क्या है। फर्स्ट में आपको 26 में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इफ़ एक्स इज ग्रेट एक्स इज स्मॉलर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई, या फिर इक्वल एंड स्मॉलर देन वाई, या फिर इक्वल एंड ग्रेटर देन वाई। यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है 26 की, बी होनी चाहिए, यानी कि एक्स ग्रेटर है वाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27th, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कि एक्स स्मॉलर है वाई से, एक्स ग्रेटर है वाई से, या फिर एक्स इक्वल और स्मॉलर है वाई से, या फिर एक्स ग्रेटर और स्मॉलर है ग्रेटर और इक्वल है वाई से। यहाँ पर आपका आंसर ए होगा, यानी कि एक्स इज स्मॉलर देन वाई। नेक्स्ट है 28th, यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं 28th की, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होना चाहिए, यानी कि एक्स इज इक्वल एंड स्मॉलर देन वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29th क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो होना चाहिए ई, यानी कि इफ़ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि एक्स और वाई का रिलेशन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30th क्वेश्चन, यहाँ पर जो है इसका आंसर ए होगा, यानी कि एक्स इज स्मॉलर देन वाई। आगे के क्वेश्चंस के बारे में लिखा हुआ है 31 से 35 जो है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन को केयरफुली रीड करके उसे आंसर करना है। और फर्स्ट के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 31st के ऑप्शन दिए हुए हैं 280, 320, 260, 340 या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा आंसर ए, यानी कि 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, ऑप्शन है 5:9, 41:52, 37:43 या फिर 18:25। इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, यानी कि 37:43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन अ ट्रेन इज ए इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन बी ट्रेन। इसका आंसर बी है, यानी कि 31%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर्स इन ऑल गिवन ट्रेन टुगेदर, और इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी कि नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेल पैसेंजर्स इन अ ट्रेन बी एंड डी टुगेदर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर फीमेल पैसेंजर्स इन ए एंड सी टुगेदर। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि 92%। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे इंग्लिश के एग्ज़ाम, इंग्लिश के टेस्ट पर, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पर, और इसके जो हैं आंसर्स देख लेते हैं किस तरीके से हैं। यहाँ पर फर्स्ट के आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, परहैप्स करेंट प्रपोजल रिजल्ट या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ए होगा, यानी कि परहैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2nd क्वेश्चन, इसका आंसर बी होगा, यानी कि शार्पली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए, यानी कि एग्ज्यूबरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन के ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, और 4th क्वेश्चन का आंसर डी होगा, यानी कि आपका कंसोलिडेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो ए होना चाहिए, यानी कि ट्रिगर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6th to 7th जो है, वो फॉलोइंग क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन गिवन, 3 सेंटेंसेस आर यूजिंग द वर्ड, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच वर्ड्स ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट एंड मार्क एज द फॉलोइंग आंसर। यहाँ पर हमें जो है कंटेक्स्ट में जो करेक्ट आंसर है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ओनली ए एंड सी, ओनली बी एंड सी, ओनली सी एंड ए, ओनली ए, या फिर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। 6th का आंसर यहाँ पर ए होना चाहिए, यानी कि ए और सी, ओनली ए और सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 7th, 7th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वैग, यहाँ पर जो है ए और सी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट है, सी और ए करेक्ट है, या फिर ओनली बी करेक्ट है, या फिर ऑल आर करेक्ट।
इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि बी और सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके 8 to 16th क्वेश्चन, जो कि आपको पैसेज के आंसर्स देने हैं। पैसेज में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके रिलेटेड आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर आपको पैसेज दिया हुआ और इसका फर्स्ट 8th क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ, आप देखें स्क्रीन पर आपको दिया हुआ क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ड्रिफ्टिंग, रिकॉर्ड्स, अटेंशन, डिफरेंट या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर ए होगा, यानी कि ड्रिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा, यानी कि कॉमन कोल्ड माइक्रोप्लास्टिक हैव बीन। नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि 2 to 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका डी होना चाहिए, यानी कि नन ऑफ दीज। 12th क्वेश्चन आपको दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द गिवन ऑप्शन शुड बी रिप्लेस ई इन द गिवन पैराग्राफ सो इट मेक सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, कॉजेशन, एग्जैसरेबेटेड, डिसकंसर्निंग या फिर कॉन्ग्रेगेट यहाँ पर, और ई ऑप्शन आपको दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। इसमें से आपका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा, यानी कि डिसकंसर्टिंग। नेक्स्ट आपका 13th क्वेश्चन, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन यहाँ पर है, 13th क्वेश्चन का आंसर जो है डी होगा, यानी कि रूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डी होगा आपका एविडेंस। नेक्स्ट आपका 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देखें और आंसर जो है इसका ए होना चाहिए, द साइंटिस्ट थ्रू द ओशियन करेंट माइट हैव कैरीड द प्लास्टिक फ्लेक्स फ्रॉम नॉर्थ यूरोप। नेक्स्ट आपका 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन में आपका आंसर ई करेक्ट होगा, यानी कि नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16th क्वेश्चन, ऑप्शंस आपको दिए हुए, टर्न्ड, वैनिश, डिटरमाइंड, एलेटेड या फिर नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो होना चाहिए ए, यानी कि टर्न्ड। नेक्स्ट आपको दिए हुए हैं 17 to 21 क्वेश्चंस, जो कि जो है सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सेंटेंस को पांच पार्टों में डिवाइड करा हुआ है और इनकी रीअरेंजमेंट हमें बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। रीअरेंजमेंट इस तरीके से दिए हुए हैं, आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं बी ए डी सी या फिर ए डी बी सी या फिर ए बी सी डी या फिर ए बी डी सी या फिर सी बी ए डी या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड, इसमें करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है 17th का करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, यानी कि ए बी डी सी। नेक्स्ट ऑप्शन आपका 18th ऑप्शन, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होना चाहिए, यानी कि सी डी ए बी। 19th क्वेश्चन आपने देखा हुआ, इसकी रीअरेंजमेंट जो है वो होनी चाहिए ई, यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपका 20th क्वेश्चन, इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका डी होना चाहिए, यानी कि सी डी ए बी। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, यहाँ पर रीअरेंजमेंट जो है इसका आंसर ए होना चाहिए, यानी कि बी ए डी सी। नेक्स्ट है 22 to 26th तक क्वेश्चंस, जो कि है फॉलोइंग आर 4 पार्ट्स आर गिवन बोल्ड, ओनली 1 वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, इनमें से एक ही वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है, आइडेंटिफाई द वर्ड एंड मार्क एज योर आंसर, इफ़ द वर्ड आर करेक्ट द मार्क ई एज योर नंबर। यहाँ पर आपको ऑप्शन जैसे हाईलाइटेड है और इसमें से आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं, जैसे कि पर्सनल, ओपन्स, थ्रू, अनफोकेटेबल या फिर ऑल आर करेक्ट। हमें बताना है कि इन जो बोल्डेड है इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है और बाकी गलत है। तो 22nd का आंसर जो है वो ए होगा, यानी कि पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd में आपको ऑप्शन दिए हुए, सस्टेनेबल, एसेज, अनाउंसमेंट, अचीवमेंट या फिर ऑल आर करेक्ट। इसका आंसर बी होना चाहिए, यानी कि एसेज। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रीवियस, प्रेजेंटेड, इन टर्म या फिर इंटरेस्टेड या फिर ऑल आर करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए, यानी कि इन टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, 25th क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, डिक्लाइंड, श्रंक, ट्रांजैक्शन,
टैम्बल्ड या फिर ऑल आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा, यानी कि टैम्बल्ड। नेक्स्ट है आपका 26 क्वेश्चन, और 26 क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं एडिड, वेस्टेड, सक्सेसफुल या फिर मिसअंडरस्टूड या फिर ऑल आर करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ई होगा, यानी कि ऑल आर करेक्ट, इसमें सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th और 38th क्वेश्चन जो है वो है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस द सेम आइडिया इन ग्रामेटिकल करेक्ट फॉर्म। इसमें से हमें बताना है कि इनमें कौन से ऑप्शन ऐसा है जो कि सेम आइडिया देता है या फिर करेक्ट फॉर्म बताता है। तो आपको 27th में ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा, यानी कि आई विल इन्फॉर्म देम ऑफ दिस। नेक्स्ट है 28th, इसका करेक्ट फॉर्म जो है वो ए होगा, यानी कि आर स्कूल इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, ही वॉक 10 माइल्स बाय फुट, यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होना चाहिए, यानी कि ही वॉक 10 माइल्स ऑन फुट। नेक्स्ट है आपका 30th, द रेलवे विल कॉम्पनसेट द लॉस, और इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि द रेलवे विल कॉम्पनसेट अस फॉर द लॉस। तो ये हो गए आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस, और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जो है वो रीजनिंग एबिलिटी का टेस्ट है, और यहाँ पर क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर इन द वर्ड ऑब्जेक्ट्स विच हैव मैनी लेटर्स बिटवीन देम एंड अल्फाबेटिकल सीरीज आर बोथ। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2, मोर देन 3 या फिर 3 या फिर नन ऑफ दी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होना चाहिए, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक वन ओनली वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 11th लेटर ऑफ द वर्ड इनहेरिटेंस यूजिंग ईच लेटर वन सेकेंड लेटर फ्रॉम राइट ऑफ एंड ऑफ फॉर्म वर्ड इज आंसर। इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, योर आंसर इज एक्स। इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, योर आंसर इज जेड। तो हमें बताना है, इसके ऑप्शंस ये हुए हैं जेड, एक्स, पी, ई या यू, और इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, यानी कि एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3rd से 5th के बारे में, यहाँ पर डिटेल दी हुई है कि रीड द बोथ कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज द फॉर्म गिवन इन द स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको जो है स्टेटमेंट में गिव रीज़न, हमें रीज़न बताने हैं। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी, ई, और यहाँ पर ऑप्शंस में से आपको जो है कंक्लूजन स्टेटमेंट दी हुई है, ऑल बेड्स आर वुड्स, ओनली अ फ्यू वुड्स आर आयरन्स, ओनली अ फ्यू आयरन्स आर स्टील, और कंक्लूजन आपको दिया हुआ है 2, सम बेड्स आर आयरन्स, सम वुड्स कैन बी सील्ड। तो हमें बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है या ई है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है 4th क्वेश्चन, स्टेटमेंट आपको दी हुई है, कंक्लूजन उसका दिया हुआ है, और ऑप्शंस हमें बताना है ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेटमेंट आपको दी हुई है 5th क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th to 8th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट इज शोन इन द स्टेटमेंट फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन, फाइंड द कंक्लूजन विच इज डेफिनेटली ट्रू। और आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ए, बी, सी, डी या ई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आपका वो डी होना चाहिए, 6th का, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि डी। नेक्स्ट आपका 7th, स्टेटमेंट आपको दी हुई है, कंक्लूजन दिया हुआ है, और इसमें ऑप्शन आपको चूज़ करने हैं क्या होना चाहिए 7th का, वो ई है। नेक्स्ट है आपका 8th स्टेटमेंट, 8th स्टेटमेंट के हिसाब से आपको कंक्लूजन दिया हुआ है, और इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी, डी या ई, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला 9th से लेकर 11th तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन को केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। तो 9th का जो आपका आंसर है वो बी होगा, यानी कि आपका साउथ वेस्ट। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन,
वट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड बी, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए 30। नेक्स्ट आपका 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे लिखा हुआ है 12th से 15th क्वेश्चन जो है इसमें इन्फॉर्मेशन को केयरफुली स्टडी करके आंसर करें, 12th का आंसर जो है वो बी होगा यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन में आंसर आपका डी होगा यानी कि 106। 14th क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 14th क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका सी होना चाहिए यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो सी होना चाहिए यानी कि 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन 16-19, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर बिलो। यहाँ पर आपको डायरेक्शन दी हुई है और इनको स्टडी करके आपको आंसर को बिल्कुल करेक्टली देना है, तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दी हुई हैं 16th की, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होना चाहिए यानी कि ई एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, 17th ऑप्शन में आपको आंसर दिए हुए हैं, ऑप्शन जो है वो डी आंसर करेक्ट होगा, आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका 18th क्वेश्चन में इन गिवन कोड लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज में व्हाट डज द कोड बी ए स्टैंड फॉर, बी ए स्टैंड क्या करता है, और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर ए होना चाहिए बिजी। नेक्स्ट आपका 19th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कोड ऑफ ड्रॉ पैरेलल इन द गिवन कोड लैंग्वेज, यहाँ पर आपको ए बी सी डी ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा। तो 20th क्वेश्चन जो है इसकी करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ए होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका 21st क्वेश्चन है, हु सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ बी, यहाँ पर जो है आपका 21st क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर जो है वो स्टेटमेंट होनी चाहिए बी यानी कि एच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए यानी कि ओनली थर्ड। नेक्स्ट आपका 23rd क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा यानी कि बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, और यहाँ पर आपकी करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा यानी कि एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू सी, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए होगा यानी कि इमीडिएट लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26-30 क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, और यहाँ पर आगे जो है क्वेश्चंस को केयरफुली स्टडी करके आंसर करना है, तो 26 का आंसर जो है वो डी होना चाहिए यानी कि एस। नेक्स्ट है 27th, इसका आंसर जो है वो बी होना चाहिए यानी कि 2। 28th जो है इसका आंसर बी होना चाहिए यानी कि ए और बी। 29th का आंसर जो है वो ई होना चाहिए यानी कि आर। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, आपको स्टेटमेंट दी हुई है और इसका कंक्लूजन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, तो 30th का आंसर जो है वो डी होना चाहिए करेक्ट यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। और 31-35th क्वेश्चन आगे जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिया, उसको केयरफुली स्टडी करके फिर क्वेश्चन को बताना है, तो आपने रीड किया होगा क्वेश्चंस को। यहाँ पर 31st क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी होना चाहिए, और 32 क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी होना चाहिए यानी कि 2, और 33rd क्वेश्चन जो है इसका आंसर ई होना चाहिए, 34th क्वेश्चन जो है इसका आंसर ई होना चाहिए, और 35th क्वेश्चन है इसका आंसर भी ई होना चाहिए। और ये थे हमारे आंसर की सारे क्वेश्चंस की, और एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी बहुत जल्दी आएगी। और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुशमांडा SSC एकेडमी। हमारी टेस्ट सीरीज़ और स्टडी मटेरियल जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी वेबसाइट पर जाकर www.kushmanda.com, और हमारी अन्य जानकारी के लिए हमें हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, हम वहाँ पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी, तब तक के लिए टेक केयर। हमारी टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।